हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको कुछ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स और CTT, नेट सेट, NVS, KVS के आधार पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके कुछ मैं आपको स्पेसिमेंस बताऊंगा कि उसके आधार पर आप कुछ पढ़ाई कर सकोगे और अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आप बने रहेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम सेट होगा कुछ इस तरह के पेपर्स आपके होंगे, उसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ पूछा जाएगा, ड्राइंग्स के बारे में पूछा जाएगा, पेंटिंग के बारे में पूछा जाएगा। इस तरह से आपको कुछ आपके पेपर्स होंगे, एग्ज़ाम सीट होगी। हम अभी जाते हैं। अभी किसी भी तरह का विलंब न करते हुए हम अपने विषय पर पहुँचते हैं और मुद्दे पर जाते हैं। और यहाँ पर आपकी क्वेश्चन सीट है। इस क्वेश्चन सीट में आपको चार प्रश्न पूछे गए हैं और नीचे चार ऑप्शंस है। जिस ऑप्शन में ग्रीन किया हुआ है वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ग्रीन किया हुआ है और यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों में से पहले प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला यह चट्टानों पर बनाई गई है, इसलिए चट्टान को हमने ग्रीन किया है। तो ये आपका आंसर है। प्रश्न दूसरा है, इनमें से कौन अशब्द है, मतलब इसमें से कौन जुड़ता नहीं है शब्द? मिर्जापुर, सिंहपुर, भीमबेटका, बाग। अभी जैसे यहाँ पर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर में गुहा चित्र है, सिंहपुर में गुहा चित्र है, भीमबेटका में भी गुहा चित्र है, बाग में नहीं है, इसलिए यहाँ पर अशब्द है बाग। तो हमने इसे ऑलरेडी ग्रीन किया हुआ है। होशंगाबाद। अभी तीसरा क्वेश्चन हमारा है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? यहाँ पर ग्रीन ऑलरेडी किया हुआ है, शैल चित्र के लिए होशंगाबाद जाना जाता है। अभी प्रश्न चौथा हमारा है, अजंता चित्रों के प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, मतलब अजंता चित्र में जो भी प्रसिद्ध चित्र है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर है डी, बोधिसत्व पद्मपाणि। अभी यहाँ पर बोधिसत्व पद्मपाणि हमने ऑलरेडी ग्रीन किया हुआ है, जिसमें आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सीट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब एक ही बार सब्सक्राइब करें। अभी हम चलते हैं आगे के पेज पे। अभी हमारा अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बुद्ध चरित्र। सातवां प्रश्न है, अजंता किस प्रदेश में है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन अशब्द है? सित्तनवासल गुहा चित्र। एक्चुअली अशब्द है मतलब क्या होता है मित्रों? बाघ गुहा चित्र है, अजंता गुहा चित्र है, बादामी गुहा चित्र है, लेकिन सित्तनवासल गुहा चित्र नहीं है, इसलिए वो अशब्द गुहा चित्र बताया गया है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है सित्तनवासल गुहा चित्र। ओके, अभी नौवां प्रश्न है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? यहाँ पर मरणासन्न राजकुमारी, यह अजंता का चित्र है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, यह भी अजंता का गुहा चित्र है। छदंड जातक, ये भी अजंता का गुहा चित्र है, लेकिन महावीर ऐसे नाम का कोई चित्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर महावीर नाम का कोई गुहा चित्र नहीं है।
हाँ तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न है हमें हमारे पास अजंता में कितनी गुफाएं हैं, कुल मिलाकर अजंता में कितनी गुफाएं हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 7, B 21, C 29 और D 32। तो इनमें से जो ग्रीन किया हुआ है वही हमारा आंसर है 29। आगे का आंसर है इनमें से कौन सा असंबंध है, मतलब जिसका कोई संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन में, ये है मुगल चित्रकला, बी है राजस्थानी चित्रकला, सी है कांगड़ा चित्रकला और डी है अजंता चित्रकला। तो इनमें से जो अजंता चित्रकला है ये इनमें शामिल नहीं होती, मतलब अजंता ये शिल्पकला है, म्यूरल्स है, इसलिए इसमें शामिल नहीं होती। थैंक यू।